नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और मार्केट लाइव में चर्चा होगी आज दालों के ऊपर। हम देख रहे हैं कि साल 2021 दालों के लिए काफ़ी भरा चुनौती भरा रहा है। कभी कुछ फैसले आ जाते थे, कभी कुछ फैसले, कभी दालों का इंपोर्ट हो गया, कभी दालों पर स्टॉक लिमिट लग गई और दालों की कीमतों में गिरावट भी बनी। हमने दालों की कीमतों पर इतने फैसले देखे हैं कि अब व्यापारी और किसान आगे डर से गए हैं कि आगे कहीं वो कुछ कदम उठाएं और कहीं सरकार अब और फैसला ना ले ले, क्योंकि देखते हैं कि किसान को तो कम भावों में बेचना पड़ जाता है, लेकिन MSP तो उसकी कम हो जाती है, लेकिन MRP उपभोक्ताओं को कम नहीं होती है। ये इस बीच में ये जो कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, उसकी वजह से किसान और आम उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है और जो बीच में मुनाफाखोर होते हैं वो मुनाफा कमा जाते हैं और इसी के चक्कर में जो सरकार है वो फैसले लेती है, लेकिन इस पर भी आम उपभोक्ताओं को इतना फ़ायदा नहीं होता है जितना नुकसान किसानों को हो जाता है। और किसानों में भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रोष है इस बात को लेकर कि MSP से नीचे सभी दालें बिकती नज़र आ रही हैं। दिवाली के पर्व पर भी हमने देखा था कि दिवाली पर भी दालों की कीमतों में गिरावट बनती नज़र आई थी। हालांकि जो कारोबारी थे उनको कुछ उम्मीद थी कि चलो जो पहले की जो भरपाई है वो दिवाली पर हो जाएगी, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि दालों में गिरावट ही बनी रही। दिवाली के बाद भी दालों में गिरावट ही बनी रही। दिवाली पर तो गिरावट थी ही थी, दिवाली के बाद भी देख रहे हैं कि अब तक दालों की जो कीमतें हैं, लगभग सभी दालों की कीमतें MSP से नीचे ही देखने को मिल रही हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जब किसान को उसकी लागत ही नहीं मिलेगी, MSP ही नहीं मिलेगी, तो किसान भला आगे क्यों दालों की खेती करेगा, क्यों दाल उगाएगा? और अगर वो ऐसा नहीं करेगा, दाल की रकबा कम हो जाएगा, बुवाई का उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी और फिर से इंपोर्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि भारत दलहन में आत्मनिर्भर इतना नहीं बन पाएगा और जब आयात होगा उसमें विदेशी मुद्रा का खर्च भी बढ़ेगा और भारत को डिपेंड रहना पड़ेगा विदेशी दालों पर, चाहे क्वालिटी खराब आए कुछ भी आए। अगर डिमांड रहेगी तो आगे जाके इंपोर्ट भी करना ही पड़ेगा। और जो सरकार है वर्तमान में भी दालों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है, क्योंकि अब आगे चुनाव भी आने वाले हैं, 5 विधानसभा के चुनाव हैं और सरकार नहीं चाहती कि उनकी सियासत में किसी आम उपभोक्ताओं में महंगाई का ये जो मार है वो कहीं ना कहीं पड़ती नज़र आए, क्योंकि उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार की भी पूरी पूरी कोशिश है कि दालों और तेलों की कीमतों में गिरावट रहे इस दौरान, तो सरकार भी इस पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसे बात करें चने की, तो चना भी MSP से नीचे ही देखने को मिल रहा है और अब दालों का बाजार आगे कैसा रहेगा, दालों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल चुकी है साल 2021 में, साल 2022 कैसा रहेगा, ओवरऑल दालों में आगे मंदी रहेगी या तेजी, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी। सुरेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम CV पर। जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। सुरेश जी, देख रहे हैं कि साल 2021 ना हो गया कारोबारियों के लिए और दाल किसानों के लिए काफी चुनौती भरा रहा है। एक के बाद एक फैसले दालों पर देखने को मिले हैं। पहले आयात हुआ, फिर स्टॉक लिमिट लगाई गई और अब फिर वायदा में भी बैन किया गया। पहले से ही देख रहे थे कि जो दालों की जो कीमतें हैं वो MSP से नीचे ही बनी हुई हैं और अब देख रहे हैं कि और फैसले आने के बाद भी दालों की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं और गिरती नजर आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, 2021 तो उथल पुथल का रहा है और 21 में काफी अप डाउन हुए हैं और बीच में हमने देखा कि सरकार ने कई तरह के निर्णय लिए हैं उपभोक्ता के हित में, किसान के हित में, सब निर्णय जो लिए हैं उससे आम जनता को राहत देने का पहला लक्ष्य था, उस हिसाब से निर्णय लिए हैं जी। और हमने ये देखा है कि पहले सरकार ने आयात के लिए काफी रास्ते खोले थे, चाहे म्यांमार से हो, चाहे बर्मा से हो, चाहे तंजानिया से हो, जिम्बाब्वे, केनिया, तो जगह जगह सरकार ने अनुबंध किए ताकि माल अधिक से अधिक मात्रा में हिंदुस्तान में आ सके जी। और उसी अनुरूप सरकार का ये कोशिश भी रही कि उपभोक्ता को दाल महंगी ना मिले, तो उसके कारण कई संशोधन भी हुए हैं, मगर उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हुआ है, उपभोक्ता को लाभ हुआ है और किसानों का नुकसान हुआ है, मगर उन सब निर्णयों को देखते हुए कीमतों में काफी गिरावट आई है, क्योंकि
विदेश की जो पसंद है जनरली वो अब सितंबर में आती है, और अगर सितंबर अक्टूबर में वहाँ उत्पादन होता है तो वो जहाज के माध्यम से समुद्र के रास्ते भारत आने में दिसंबर और जनवरी का समय लग जाता है। तो वो माल भी काफी तादाद में केनिया से भी आ रहा है, मलावी से भी आ रहा है, जिम्बाब्वे से भी आ रहा है और बर्मा से भी आ रहा है। तो 5-6 देशों से निरंतर वो माल आ रहा है तुअर, और उड़द का भी देखे तो उड़द भी बर्मा से आता है। तो काफी बाजार इस समय जो है अन्य सब्जियों के मुकाबले, चाहे तेल हो चाहे हरी सब्जियां हो, उन सबके अनुपात दालों की कीमतें इस समय काफी कम है। ये उपभोक्ता के लिए राहत भरी खबर है, मगर इससे कहीं ना कहीं किसान को नुकसान होगा। जी सुरेश जी, मेरा ये सवाल रहेगा, अभी MSP के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा आपने बताया कि आम उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है और किसानों को नुकसान हुआ है इस फैसले से कहीं ना कहीं, तो MSP से अगर कंपेयर किया जाए तो कितनी कीमतें नीचे मिल रही है अलग अलग दालों की? निश्चय MSP जो है, MSP का अगर अनुरूप देखा जाए तो चना MSP से नीचे बिक रहा है, उड़द MSP से नीचे बिक रहा है, तुअर भी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। अगर ये सब वस्तुआ समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगी तो किसान जो 2022 की फसल बोना है, जो नई क्रॉप बोला है, उसमें अपना ध्यान डिवाइड करेगा और उन फसलों में जाएगा जिनकी कीमतें अधिक हो, चाहे सरसों हो, चाहे कपास हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सूरजमुखी हो, तो वो आइस सीट पे ज्यादा जाएगा। तो जब भी अगर दलहन की कीमतें कम होगी तो किसान काफी परिवर्तन होके उन फसल को बोना चाहता है जिसके कीमतें अधिक मिले। तो यहाँ हम देखें तो ये किसान के लिए बड़ा नुकसानदायी है। देश में अगर हम इसका समतल नहीं बना पाएंगे तो आगे चल के दलहन के उत्पादन में कमी आने की संभावना रहेगी, जो 2022 में हमको देखने को मिल सकती है। आज जरूर उपभोक्ता को राहत है, सरकार के प्रयास भी निरंतर सफल हो रहे हैं, जो उन्होंने तय किए थे, अनुबंध किए, उस हिसाब से बाकी देशों से तुअर और उड़द आ भी रहा है। और अभी अभी एक उन्होंने लेटेस्ट में निर्णय किया एक सप्ताह के अंदर कि जो देश के बाहर से माल आना है उसकी आयात की अवधि को उन्होंने बढ़ा दिया है, उसको उन्होंने आगे करके मार्च तक कर दिया है। तो अब जो एक म्यांमार बर्मा में जो उड़द का उत्पादन होता है वो उड़द भी देश में काफी बड़े पैमाने पे आएगा, क्योंकि जनरली फरवरी में उसकी फसल आ जाती है मार्केट में और 15-20 दिन के अंदर वो जहाज के माध्यम से मार्च के पहले पहले काफी माल फरवरी और मार्च में आएगा। तो उड़द में भी गिरावट देखने को मिली है, तुअर में भी गिरावट है, चना भी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है। जी सुरेश जी, जैसा आपने बताया कि चना भी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है, हम देखेंगे कि अब चने की फसल आ जाएगी मार्च महीने तक और इस बार ठंड भी ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और अगर MSP से नीचे ही बिका तो किसानों का कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है, जो हौसला है, वो टूटता नजर आ जाएगा। ऐसे में जैसे आपने बखूबी बताया कि आगे उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है, तो जब कमी देखने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि विदेशी मुद्रा भी खर्च की जाएगी आयात में और भारत दलहन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में किसान अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं, सरकार से ऐसी क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आम जनता ऐसा किसानों के लिए क्या कर सकती है जिससे किसानों को भी MSP मिले? देखिए, किसान को MSP मिले इसके लिए सरकार को निरंतर कोशिश करना चाहिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया है पत्र के माध्यम से कि तुअर और चना और मूंग और उड़द, इन सब का जो MSP तय है उसमें उड़द तो पर्याप्त MSP है, मगर उड़द की कीमत कम है और तुअर का भी समर्थन मूल्य कम है, मगर मूंग की MSP पर्याप्त है। तो भारत सरकार से अनुरोध किया है कि तुअर और उड़द की MSP को भी बढ़ाया जाए। अगर हम तुअर और उड़द की MSP को बढ़ाएंगे तो इससे दलहन के उत्पादन में जो किसान कम रुचि देंगे वो दलहन की तरफ बढ़ेंगे और दलहन का रकबा बढ़े। इसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए तुअर और उड़द का MSP बढ़ाना चाहिए। मैंने लिखित में भी पत्र पीयूष जी गोयल जी को भी दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और उनसे फिर 2-3 बार अनुरोध किया है कि इन दोनों वस्तुओं का समर्थन मूल्य बढ़ाए। हम अगर 3-4 साल का अध्ययन करें, तुलना करें, तो 2016 में तुअर का समर्थन मूल्य 5450 था, फिर उसके बाद 150 रुपए बढ़ा,
उड़द में भी 100 रुपए बढ़ा, तो जो अगर हम 5 साल का देखें तो हम 5 साल में इस नतीजे पे पहुंचें कि 800 रुपए हमने MSC बढ़ाई है, और तुअर और उड़द में हमने जब 800 रुपए 5 साल में बढ़ाए तो उसी 5 साल के अनुरूप महंगाई दर 800 रुपए से अधिक बढ़ गई है, चाहे डीजल में बढ़ गई हो, चाहे खेत में काम करने वाले मजदूर की कीमत बढ़ गई हो, चाहे ट्रैक्टर की मजदूरी बढ़ गई हो, खाद बीज और कीटनाशक दवाओं के खर्चे बढ़ गए, बीज बढ़ गया, खेत की जुताई और कटाई भी महंगी हो गई है, तो जिस अनुपात से समर्थन मूल्य बढ़ा है 5 साल में उससे अधिक तुअर और उड़द को देखें तो महंगाई बढ़ गई है, तो किसान को उसमें कोई ज्यादा लाभ नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि हम उनको समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, मैंने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी पत्र लिखा है कि आप तुअर और उड़द का समर्थन मूल्य बढ़ाएं, अभी जितना बढ़ रहा है उसके लगभग महंगाई बढ़ जाती है, तो वो दलहन के उत्पादन में उतनी वृद्धि जितनी चाहिए वो नहीं आती है, और हमको अन्य देशों पर निर्भर बढ़ना पड़ता है। अब इस बार तो 4-5 देश से अनुबंध किए, उनका माल भी आ रहा है, अगर हम इन सबकी MSC 70 और 75 रुपए के लगभग करेंगे तो आगे जाके देश में तुअर और उड़द का उत्पादन आत्मनिर्भर होगा, किसान भी उस पर रुचि लेंगे, और देश से बाहर से हमको आयात कम करना पड़ेगा जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी, और हमको बार बार अन्य देशों से अनुबंध नहीं करना पड़ेगा। मसूर ऑस्ट्रेलिया से आती है, कनाडा से आती है, चना यूक्रेन से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो जो देश के बाहर के मुल्क हैं हम उनकी गिनती करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, यूक्रेन, आपका बर्मा, जिम्बाब्वे, केनिया, मलावी, ये साउथ अफ्रीका के जो देश हैं, ये सब माल का उत्पादन इस दृष्टि से करते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बड़ी खपत हो जाती है, तो ये अपने यहाँ दलहन पैदा करते हैं और वो इंडिया को बेचने का लगातार प्रयास करते हैं, तो भारत सरकार को इस दिशा में आत्मनिर्भर बढ़ने के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। जी सुरेश जी, एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब इतने बड़े पैमाने पर आयात करती है भारत सरकार दालों का विदेशों से, तो किसानों को MSP क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि विदेशी मुद्रा भी खर्च हो रही है, समय भी लग रहा है, काफी ज्यादा वक्त भी लग जाता है आने में, अगर इंपोर्ट भी हो जाती है तो इंपोर्ट से अलग अलग राज्यों में पहुंचने तक भी काफी समय लगता है, और क्वालिटी कैसी है इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। हमने देखा भी था बीच में कि जो दालों का जो इंपोर्ट हो रहा था उसकी क्वालिटी भी कुछ खास देखने को नहीं मिली थी, हमारे पास काफी ज्यादा किसानों के कमेंट्स भी आए थे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर विदेशों से आयात हो रहा है दालों का, तो उससे पहले अपने देश के किसानों को MSP सुनिश्चित करनी चाहिए और MSP दे देनी चाहिए, जिससे हमारे किसानों का हौसला भी ना टूटे और भारत थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन दलहन में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता रहे? देखिए, MSP बढ़ाने का निर्णय लेना भारत सरकार का काम है, और पिछले 3 साल से MSP बढ़ाने के लिए जो भी मीटिंग हो रही है उसमें मैंने अपने सब सुझाव दिए हैं। हर बार 2-3 साल में जब जब हमने इनको सुझाव और सलाह दी है उस पर गंभीरता से उन्होंने विचार किया, मगर जब बढ़ाने की बात आती है तो उस अनुपात से जितनी महंगाई देश में बढ़ती है उस अनुपात से MSC नहीं बढ़ पाती है, तो उसके कारण पिछले 3-4 साल में MSC में कम वृद्धि हुई है। आज भी हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि तुअर और उड़द की MSC को बढ़ाना चाहिए ताकि किसान यहाँ पर बोए, अब यहाँ उत्पादन बढ़ेगा तो बाहर से आत्मनिर्भर होने के लिए हमको बाहर से आयात कम करना पड़ेगा, अब यहाँ उत्पादन घटता है तो हमको आयात भी करना पड़ता है और अन्य देशों से अनुबंध करके माल मंगाना भी पड़ता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं MSC बढ़ाने पर चिंता करना चाहिए इस संबंध में, तभी जाके हमारे देश में दलहन बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास हो सकता है किसानों के हित में। जी सुरेश जी, आप दालों की बॉडी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, दालों की खबरों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आगे कोई ऐसी नीति ला सकती है, क्या आगे कोई ऐसा निर्णय ले सकती है जिससे दालों की जो आयात है वो और ज़्यादा बढ़ जाए? क्योंकि वर्तमान में जब वायदा बाजार पर हाल ही में सरकार ने रोक लगाई थी तब सरकार ने ये भी कहा था कि आगे आयात और ज़्यादा देखने को मिल सकता है और अभी और निर्णय भी सरकार ले सकती है, तो क्या आपके आपको ऐसा लगा है कि सरकार आगे अभी और फैसले लेगी दालों के ऊपर? नहीं, सरकार को फैसला लेना चाहिए, अभी भी लेट हो गई है। अभी सरकार ने एक ही फैसला लिया है कि जो देश के बाहर से आयात है उसके 2-2, 3-3 महीने का बार बार समय बढ़ाते जा रहे हैं,
ये समय बढ़ाने के कारण विदेश से माल इंडिया आ रहा है, सरकार को इनसे हटके विपरीत उल्टा फैसला करना पड़ेगा कि देश में उत्पादन बढ़े, इसलिए समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को दलहन की बुआई के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको दलहन की बुआई के लिए आगे लाना पड़ेगा, तब जाके हम आयात की कमी कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और अगर हमारे देश में अगर हम इसमें बढ़ाने में असफल रहे तो विदेशी पर निर्भर रहना पड़ेगा, देश पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है, मगर उसका नुकसान बड़े हद तक किसान को भारत में होगा, क्योंकि किसान को अब आइन सीट की हम देखें तो 2021 में तेल की कीमतें बहुत आसमान पे रही है, काफी ऊंचाइयों पे गई है, मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, सरसों का तेल हो, तो अब किसान धीरे धीरे अपने व्यापार को परिवर्तन कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है और वो दलहन के रकबे को घटाकर आइन सीट की ओर टर्न हो रहा है। जब आइन सीट में वो ज्यादा जाएगा तो दलहन का उत्पादन घटने की ओर संभावना बढ़ जाएगी, तो सरकार को इस पर अतिशीघ्र निर्णय करना चाहिए कि MSC बढ़ाए और किसान को दलहन उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जाए, तब जाके ये साल दो साल में बैलेंस होगा, ये तुरंत निर्णय होने वाला नहीं है, और तब जाके साल दो साल में इसका निराकरण होगा और तब जाके किसान को भी ये लगना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बन सके, उनका दलहन की मार्केट में अच्छी कीमत मिले, बाजार में अच्छी कीमत मिले, और किसान को जब अच्छी कीमत मिलेगी तो वो दलहन की ओर ज्यादा जाएगा। जी सुरेश जी, आप साल 2022 दालों के लिए ओवरऑल कैसा देखते हैं, साल 2022 कैसा रह सकता है दाल कारोबारियों के लिए? नहीं, ये मौसम पर निर्भर रहता है, खेतों की बिजाई पर निर्भर रहता है और ये फसल में बीमारी न लगे उस हिसाब से अनुमान रहता है, मगर वर्तमान में जो फसल आ रही है वो सब अच्छी है, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है, अगर कहीं कोई बीमारी लगी है तो उसका उत्पादन बढ़ा है, रकबा बढ़ा है, तो 2022 में भी दालों का आपको मार्केट देखने को अच्छा रहेगा, पर अभी जो दालों की कीमतें वो काफी कम है अन्य वस्तुओं के मुकाबले, अगर इनमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के उत्पादन में कमी महसूस होगी, तो सरकार को दलहन का रकबा बढ़ाने के लिए तीन चार तरीके करना चाहिए जिस पर उनको अतिशीघ्र निर्णय लेकर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दलहन का रकबा बढ़ सके भारत में। जी सुरेश जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आपकी तरफ से दलहन कारोबारियों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कीमतों में गिरावट है, तो ऐसे में उनके भी काफी सवाल रहते हैं कि रोक कर चले माल या बेच दें, अभी क्या करके चलना सही रहता है ऐसी सिचुएशन के अंदर? दाल मिल वाले का लक्ष्य रहता है दाल का उत्पादन हो, मशीनें निरंतर चले, फैक्ट्री में आदमियों को काम मिले और दाल का प्रोडक्शन लगातार हो, तो जब इस दिशा में आदमी काम करेगा तो दाल मिलर का प्रथम कर्तव्य है कि माल खरीदे और उसकी दाल बनाए और दाल बना के देश में और देश के बाहर सप्लाई करे, तो इस प्रकार का कारोबार अगर करेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक करेगा, अगर हम ज्यादा माल होल्ड करते हैं तो वो भी एक हमारे भारत में अनुचित होगा कि गलत कदम होगा, हमको तो उत्पादन को ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक दाल बने, अधिक से अधिक दाल की सप्लाई निरंतर उपभोक्ता को मिलती रहे, ये काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो अगर इसको एक कंक्लूड किया जाए तो मोटा मोटा बस यही हिसाब है कि अभी हाल फिलहाल में वर्तमान स्थिति जो दालों की कीमतों की जो बनती नज़र आ रही है वो MSP से नीचे ही है, दालों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, किसानों को सबसे ज़्यादा दालों में नुकसान देखने को मिल रहा है, आम उपभोक्ताओं को तो थोड़ा फ़ायदा दिया है सरकार ने लेकिन किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि किसानों को MSP भी नहीं मिल पा रही है इस समय, और जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि सरकार को कुछ दालों की MSP बढ़ाने पर विचार ज़रूर करना चाहिए, कुछ दालों की MSP ठीक ठाक बताई है लेकिन कुछ दालों की जैसे तुअर और उड़द इन पर विचार करने की ज़रूरत है, इन क्योंकि अगर MSP बढ़ती है तो उसी अनुपात में साल दर साल महंगाई भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो किसान है उनकी लागत नहीं निकल पाती है।
तो महंगाई को देखते हुए एमएसपी पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि जब आयात होता है तो विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, लेबर कॉस्टिंग भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सरकार को कोई ऐसा सिस्टम खड़ा करना चाहिए जिससे कि जो अपने ही भारत है वो दालों में आत्मनिर्भर बने और आयात की जगह निर्यात करे, एक्सपोर्ट करे, इम्पोर्ट ना करे दालों का, एक्सपोर्ट करे, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। तो काफ़ी अच्छा सुझाव है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सरकार है उन्होंने दालों के आयात की जो अवधि है वो धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने बढ़ाती जा रही है। आगे चुनाव भी हैं तो सरकार भी नहीं चाहती है कि आम जनता को ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़े, तो इसलिए अभी सरकार की जो निगाहें हैं वो महंगाई पर टिकी रहेंगी, चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो। तो ये थी हमारी खास पेशकश दालों के ऊपर। फिलहाल मार्केट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।